दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए क्रब को में वैकेंसी लेके। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी खुशी खबरी है कि यहाँ पर फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है। जो लोग कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है वो लोग यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्रब को बहुत कम वैकेंसी निकालती है, लेकिन निकालती है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या क्या ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है अटेंडेंट ऑपरेटर मतलब CP, लेबोरेटरी असिस्टेंट मतलब CP के लिए, जहाँ पर क्वालिफिकेशन में BSc मांगा है, केमिस्ट्री विद फिजिक्स एंड मैथ, यहाँ पर 60% होना आपका अनिवार्य है और आपका यूनिवर्सिटी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर वैलिड मतलब यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 23 एज निकाल है, जो 31/7/2020 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। जो आपका जो अप्रेंटिस जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करूँ डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन में 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है, जो रिलेटिव ब्रांच से होना चाहिए 60% के साथ और आपकी यूनिवर्सिटी वैलिड होनी चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट भी मैक्सिमम 23 जो 31/7/2020 के हिसाब से, ड्यूरेशन भी एक ही है। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिस, जो मेंटेनेंस मशीन केमिकल प्लांट MMCP इंस्ट्रूमेंट मशीन केमिकल प्लांट IMCP इलेक्ट्रिकल एंड फिटर्स के लिए वैकेंसी, जहाँ पे SSC प्लस IT चलेगा बाई NCVT स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 60% होना अनिवार्य, मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया 20 ईयर, जो 31/7/2020 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। 1 साल का यहाँ पर ड्यूरेशन है जो आपका अप्रेंटिस का है। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस दी गई हैं जिन्हें आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा कि आपका, देखो यहाँ पर आपने ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है तो आप बढ़ सकते हो कि नहीं, वो चीज़ें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। नोट में अच्छी तरीके से दिए गई हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 4 फरवरी 2021 है, जो शाम को 6 बजे तक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस देनी दी हुई हैं जिन्हें आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, वरना आपका रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन। तो अच्छे से ये कहाँ से पढ़ोगे सारी जानकारी दूंगा। तो आप देखो ऑफिशियली वेबसाइट दी है www.mhrdnats.gov.in पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं आपके पास, क्या क्या होना चाहिए और आप अगर अप्रेंटिस कर रहे हो तो आप कर सकते हो कि नहीं, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब बात आती है कि आप इसे भरोगे कैसे, तो मैं आपको ले कर चलूँगा अभी ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो दोस्तों आपको इजीली गूगल पर सर्च करना है क्रब को KRIBSCO। जैसे आप क्रब को सर्च करोगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर कैरियर, या तो आप डायरेक्ट इसे प्रेस कर दो या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कैरियर को सेलेक्ट करो। तो बाहर से मैं बता देता हूँ और आपको अंदर जाना है तो वहाँ पर अबाउट में जाके कैरियर आप मिल जाएगा, आपको अबाउट में जाना पड़ेगा। तो मैं कैरियर को प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैंने प्रेस किया तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है और यहाँ पे आपको देखेगा कि अप्रेंटिस 2020-21। तो मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। मैंने जैसे इसे प्रेस किया तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे वही सारी जो है ट्रेड्स रिलेटिव सारी वैकेंसीज बताई गई हैं जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता रहा था। तो यहाँ पे आप इजीली अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको बता दूँगा। उससे पहले आपको बता दूँ कि इस फॉर्म का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 21 जनवरी 2021 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑलरेडी मैं बता रहा, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इन सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस को। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करने के लिए देखो आपको डायरेक्ट या जो जिसके लिए अप्लाई करना है आपको, जैसे किसी भी दोनों में से किसी के लिए अप्लाई करना, जैसे मुझे अप्लाई करना है अटेंडेंट ऑपरेटर, तो मैं इसे प्रेस कर दूंगा। देखना मैं अभी प्रेस करके बताऊंगा, मुझे करना है इसके लिए तो मैं इसे प्रेस कर दूंगा, और मुझे करना है इसके लिए तो मैं इसे प्रेस कर दूंगा। मैं एक प्रेस करके दिखा रहा हूँ, केमिकल इंजीनियर अप्रेंटिस, देखो मैंने ये प्रेस किया है अभी आपके सामने, और देखो ये लिंक ओपन होगी धीरे धीरे। तो मैंने ये ओपन कर लिया, देखो डिप्लोमा इंजीनियर अप्रेंटिस, तो मैंने ये ओपन कर दिया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जानकारी दी गई हैं इसकी,
इतना आपका प्रूफ, डेट ऑफ प्रूफ इतना 200 KB का होना चाहिए, और आधार कार्ड का लेस देन 200 KB, ये सारे फोटोग्राफ 100 KB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर 100 KB से कम होना चाहिए, ऐसे 10th का मार्कशीट 200 KB से कम होना चाहिए, फाइनल ईयर और आपका फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट 200 KB से कम होना चाहिए, डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका 200 KB से कम होना चाहिए। इस तरीके से हमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आप नए हो तो आपको देखो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा, तो इसको आपको प्रेस कर देना, मैं आपके सामने प्रेस कर देता हूँ इसे, तो आप इजीली से न्यू रजिस्ट्रेशन पर प्रेस कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। और जैसे आप प्रेस करोगे तो हमें पूरी जानकारी आपसे मांगेगा। ये देखो यहाँ पे आपसे देखो पोस्ट आप किस की सेलेक्ट कर रहे हो, केमिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है उसे करेक्ट कर लो, और ये सारी जानकारी इसमें फिल कर दो, मोबाइल नंबर, ये सारे कंफर्म पासपोर्ट, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे भर दें और इसे सबमिट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेके आएंगे, तब तक के लिए सबके साथ ये वीडियो शेयर करो, जिससे जिसकी भी हेल्प हो पाए अच्छा है, खुद की तो करें और दूसरे लोगों की भी सहायता करें, जिससे किसी न किसी का भला हो।